नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के जियनपुर में बीती रात में मॉडर्न एरा स्कूल में पहुंचे प्रदेश के नगर निकाय व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में जर्जर विद्युत तारों के मरम्मत व नवीनीकरण को लेकर 17,000 करोड़ के बजट के साथ दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्हें कहा कि विद्युत उत्पादन बढ़ा है, जबकि लाइन लॉस समेत अन्य घाटा होता था। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है, इसमें 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति दाखिल की जा सकती है। इसके बाद आरक्षण की सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कितने चरणों में कब कब चुनाव कराना है, इसमें सरकार को कोई दखल नहीं है। उन्हें कहा कि प्रदेश की 28 से 23% आबादी नगर निकायों में रहती है, जबकि प्रदेश के अर्थतंत्र का 65% योगदान नगर निकायों का होता है। इससे नगर निकायों को विश्व के किसी भी नगर के समकक्ष बनाने को लेकर नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है, इनको और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसमें आपत्ति के बाद चुनाव होना है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया गया है। इस दौरान प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा है, इसमें होने वाला खर्चा घटा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कुल 39,691 मिलियन यूनिट सकल विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके पीछे मेरे स्वयं के द्वारा परीक्षा पावर प्लांट एवं अन्य पावर प्लांटों में जाकर निरीक्षण करना और वहां पर कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने का परिणाम रहा है। इन सभी प्रयासों से उत्पादन बढ़ गया है और साथ ही BCCL की कोयला खादान की NCL से कोयला लाकर 400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत की गई है। उन्हें बताया कि इससे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का अधिकतम 37,657 मिलियन यूनिट सकल विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड वित्त वर्ष 2018-19 में रहा था, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 में 2,034 मिलियन यूनिट से अधिक 0.5% से अधिक विद्युत उत्पादन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनपरा, ओबरा, पारीछा व हरदुआगंज तापी परियोजनाओं से कुल 39,691 मिलियन यूनिट सकल विद्युत उत्पादन हुआ है, जो पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 में हुए कुल 35,022 मिलियन यूनिट सकल विद्युत उत्पादन से 13.33% अधिक रहा है। इस प्रकार से वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 76.44% प्लांट लोड फैक्टर PLF प्राप्त किया गया है, जो विगत 3 वित्त वर्षों 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में क्रमशः प्राप्त 68.80%, 69.71% व 71.82% प्लांट लोड फैक्टर PLF से अधिक है। इस कीर्तिमान में अनपरा डीताप विद्युत गृह की 2×500 मेगावाट की इकाइयों द्वारा रिकॉर्ड 95.75% वार्षिक प्लांट लोड फैक्टर PLF पर उत्पादनरत हुए अब तक का अधिकतम 88 मिलियन यूनिट का सकल विद्युत उत्पादन किया गया। साथ ही ओबरा भी ताप विद्युत गृह की 5×200 मेगावाट की इकाइयों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड अधिकतम 657 मिलियन यूनिट का सकल विद्युत उत्पादन किया गया। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवा की रिपोर्ट। अगर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आपका विभाग क्या कर अधिसूचना कब तक जारी होगी? स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की आरक्षण के जो अधिसूचना है उसमें 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग का
की परिधि में आता है, उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा, उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार को एक तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा, उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे हमारे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें 762 निकाय हैं, लगभग 28-30% की आबादी हमारे नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है राज्य के विकास में, राज्य के सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, और उसी दिशा में हम लोग उनको व्यवस्थित करने का, साफ सुथरा करने का, उनके सुंदरीकरण का, उनको गुड से ग्रेट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, सुंदर बनाने का, और अभी जो हमने अंत में अपने विभाग को नारा दिया है वो उन्हें वैश्विक बनाने का, हमारे निकायों को किस तरह हम दुनिया के किसी भी अन्य निकाय के सापेक्ष हम उन्हें बेहतर बना सकें, इस प्रकार की मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकायों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थव्यवस्था की लगभग 65% उसमें योगदान जीडीपी में नगर निकायों का होता है, उस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी निकायों में आने वाले दिनों में जो सुंदरीकरण जो भी अच्छा हो सकता है वो करने की नेम के साथ हम लोग काम करें। सरकार को एक साल पूरा हुआ, आपका विभाग किस तरह से कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही सरकार की? एक साल पूरा होने की बहुत ज्यादा होती है। पहली बात तो ये, जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है, वहाँ अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती, उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में कि चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दशहु, उनका नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल होता है, इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरित मानस जैसा विशाल और विराट ग्रंथ नहीं हो सकता, भगवान राम से बड़ा कोई चरित्र नहीं हो सकता, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बड़ा कोई सबको समाहित करने वाला, चाहे वो सभी हो, चाहे केवट हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे इवन राक्षसों से भी उन्होंने पहले प्रेम से बात किया। सर जब नई बात बनी तभी उन्होंने सर, आजमगढ़ के जो लोग जो हैं, आजमगढ़ के लोग जो हैं बिजली कटौती से काफी परेशान रहते हैं, इसके लिए मतलब क्या होने वाला है? आजमगढ़ के सहित पूर्वांचल की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एक बहुत ही पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 17,000 करोड़ के खर्च से अभी हमने एक योजना RDSS योजना चालू किया है। उस योजना के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएंगे। जहां कहीं जर्जर तार थे, जर्जर खंभे थे, इस तरह की जो पुरानी हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं थी, इन्हें बदलने की, नवीनीकरण करने की जो आवश्यकताएं थी, उनको हम लोग नया कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, उस प्रकार की हो जाएगी। बिजली बिल की खामियों को बिजली बिल की हाँ सर सर जो संविधान की कानून की व्यवस्था है, उस परिधि में जो सभी वर्गों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, चाहे ओबीसी के हो, उनकी व्याख्या करना हमारा काम नहीं है। जो व्याख्या आज के कार्यक्रम में संविधान में हुई है, जो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो उस व्याख्या में आते हैं, उनको संपूर्ण आरक्षण देते हुए ही ये आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। इस कार्यक्रम में किसी वर्ग विशेष का जिस सूची में नाम होगा उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई नया उसमें अभी परिवर्तन करने का कोई स्कोप नहीं। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। उनके 6 वर्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छे कामों की उपलब्धियां हुई हैं, बहुत अच्छे कामों की शुरुआत हुई है। पिछला जो एक साल उनके जो द्वितीय कार्यकाल का जो पिछला एक साल गया है,
उस कार्यकाल में भी हमने उनकी योजनाओं को, उनकी जो मंशा थी, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे जो दोनों विभाग हैं उनमें बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। अभी मैं रास्ते में था तभी मुझे जानकारी हमारे विभाग के लोगों ने दिया, इस वर्ष मतलब जो गया वर्ष हुआ है उसमें जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो अभी हम प्रेस नोट आप लोगों को भिजवा रहे हैं, लेकिन जो बिजली का उत्पादन हुआ है वो पिछली साल की अपेक्षा 13% से ज्यादा अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी टूटा है, 39,000 से ऊपर मिलियन यूनिट्स का हमारा उनका बिजली का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार के कई क्षेत्रों में एक तरफ हमारा प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा जो ATC लॉस जिसको बोलते हैं, टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो है वो घटा है। तो इस प्रकार जो अच्छी चीजें थी उनको बढ़ोतरी हुई है, जो कमियां थी उनको घटाने का काम हुआ है। कुल मिलाकर के हमारे प्रशासन में, ऊर्जा विभाग के प्रशासन में बहुत ही सक्षम कार्य हुआ है। उसी प्रकार नगर निकायों में भी आप देख सकते हैं कि दैनिक सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक के बीच में सब हमारे मैन और मशीन, मनुष्य और मशीन दोनों के सामंजस्य से अच्छा कार्य हो रहा है। मैं सभी अपने नगर विकास के कर्मियों को, ऊर्जा विभाग के कर्मियों को, सबको मैं बधाई देता हूं। सर, एक जिस तरह से सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी और जगह जगह मनाया गया था, तो जिस तरीके से कहीं भी इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई, काफी जगह बने रही, इसको लेकर आपकी तैयारियां बिजली कटौती बहुत ज्यादा होती है। पहली बात तो ये, जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है, वहाँ अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती, उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में कि चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिश दशहु, उनका नाम लेने से दसों दिशाओं में मंगल होता है, इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरित पार्टी नदी है उसको भी बखूबी निभाएंगे, ये हम सब का विश्वास है। अगली आवाज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की, आप लोग विकलांग हो गया वो विद्यालय परिवार उसको। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।